नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा म हमारा व्यंजन म हमने किया था, म से मगर, राइट। फिर आज हम लोग हमारा गाओ गाओ, यानी कि हमारा पेज नंबर 50, हमारी बुक का पेज नंबर 50 गाओ गाओ। तो आपको लगेगा कि ये क्या है गाओ गाओ, तो ये छोटी छोटी राइम्स है, जैसे कि हम लोग गुजराती में करते हैं छोटे छोटे से, क्या बोलते हैं उसको, यह झोडकणा, राइट, नाना नाना झोडकणा हो छे जे लोको आपने गावानी खूब मजा आवे छे, राइट। हाथी भाई तो झाड़ा लागे मोटा पाड़ा, सुंडमा लावे पानी, पानी तो गंदु, सामेथी आव्यु चंदु, चंदुनी माते चोटी, बावणे रोटी, रोटली ना कटका, चंदु करे लटेका, राइट। आवा बधा झोडकणा आपणे करीए छीए ने, राइट। वैसे ही हिंदी में भी ऐसे छोटे छोटे राइम्स होती है, राइट, छोटे छोटी कहानियां होती है। तो जैसे कि हम लोग कैसे क्या करते हैं, एक दो आपको याद तो होगी, देखो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, राइट। ऐसे हम छोटे छोटे काव्य बोलते हैं, क्या है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, राइट। तो वैसे ही इसमें भी ऐसे दो छोटे छोटे काव्य है जो मैं यहाँ से बोलूंगी और आप लोगों को भी मेरे साथ साथ बोलने हैं, राइट। और क्या है ना, हम उसके बारे में देखेंगे कि देखो, और एक काव्य होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ समझाया जाता है, जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। देखो, मछली है ना, वो जल की रानी कहलाती, क्योंकि वो जल में ही रहती है, जल यानी कि पानी, वो पानी में ही रहती है, तो इसीलिए वो क्या कहलाती है, जल की रानी। और जीवन उसका पानी है, वो पानी के बिना रह नहीं सकती, वो तो हमें पता है। तो जीवन उसका क्या है, पानी। हमारा जीवन क्या है, खाना पीना, स्वास्थ्य लेना, राइट, वो सब हमारा जीवन है। वैसे ही मछली का जीवन क्या है, पानी, वो पानी के बिना रह सकती नहीं है। हाथ लगाओ डर जाएगी, हम अगर उसको हाथ लगाएगी तो वो क्या, डर जाती है, राइट। अब उसको कोई पकड़ लेता है जाल में, तो इसीलिए वो हाथ लगाने से डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, यानी कि उसको पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी, राइट। तो ये बात की तो हमने जो अभी किया ना, राइट, मछली झलकी वाली, राइट, उसी का अभी हम ये करेंगे गाओ गाओ पेज नंबर 5050 पर, राइट। आपको रीड करना नहीं आता, इट्स ओके, हमें तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ से जो दीदी बोलते हैं वो आप लोगों को सुनना है और समझना है, राइट। देखो, फर्स्ट वाला क्या है, मछली तो है जल की रानी, मछली तो है जल की रानी, बोलना है मेरे साथ साथ, राइट, मछली तो है जल की रानी, करती रहती है मनमानी, करती रहती है मनमानी, मगर जाल में फंस जाने पर, मगर जाल में फंस जाने पर आती याद इसे भी नानी, आती याद इसे भी नानी। क्या कहा है इसमें, मछली तो है जल की रानी, अभी हमने कहा, मैंने भी आप लोगों को कहा कि जल की रानी क्यों कहा, क्योंकि वो पानी में ही रहती है, राइट, तो वो क्या हुई, पानी की रानी। मछली तो है जल की रानी, मछली को हम जल की रानी कहते हैं, करती रहती है मनमानी, वो खुद की ही मनमानी करती है, राइट, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ वहां, सारी ओर पानी में छलांगे लगा लगा के वो एकदम घूमती रहती है, यानी कि अपनी मनमानी करती है, क्या करती है, अपनी मनमानी। जैसे कि हम लोग भी, हम अपनी मनमानी करते हैं ना, हम छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम लोग कैसी जिद करते हैं आप लोग, राइट, और पापा से मम्मी से अपनी जिद मनवाते हैं, तो मम्मी कहती है ना कि तुम अपनी मनमानी मत चलाओ, राइट। तो मछली तो है जल की रानी, करती रहती है मनमानी, वो अपनी मनमानी करती रहती है, मगर जाल में फंस जाने पर, जब वो जाल में फंस जाती है,
जो फिशर जो मच्छी पकड़ने वाले लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा जाल बिछा देते हैं पानी में, और मछली जब जाल में फंस जाती है, राइट, मछली पकड़ने वाले लोग तो वैसे ही पकड़ते हैं, फिर जाल में मछली आ जाती है, राइट। तो जब वो जाल में फंस जाती है, आती याद किसी भी नानी, तो उसको भी अपनी याद, नानी की याद आ जाती है। राइट, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा कोई काम करते हैं कि जिसमें हमें बहुत हमें टफ लगता है, राइट। तो हम कहते हैं उसको उसकी नानी याद आ गई उस काम करते करते, राइट। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें बहुत सारा होमवर्क है तो कहता है कि नानी याद आ गई, हम तो इतना होमवर्क था इतना होमवर्क था, राइट। तो फिर ऐसा कई काम होता है कि मम्मी भी ऐसा काम करती, तो मैं थक गई, राइट। तो कोई भी ऐसा काम है जिससे हम थक जाते, तो एक मुहावरा जैसा है कि उसको उसकी नानी याद दिला दे, राइट। हम लोग मूवीज में भी देखते हैं कि आज तो उसने उसको मैंने उसकी नानी याद दिला दी, राइट। इतना उसको वो इतना परेशान हुआ, राइट। तो मछली जब जाल में फंस जाती है तो वो इतनी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अब उसका एंड होने वाला है, तो उसको भी उसकी नानी याद आ जाती है, राइट। वापस एक बार रीड करते हैं। मछली तो है जल की रानी, करती रहती है मनमानी, मगर जाल में फंस जाने पर, मगर जाल में फंस जाने पर आती याद इसे भी नानी, कि उसको भी उसकी नानी याद आ जाती है। वो खुद तो मनमानी करती रहती है, पर जब वो जाल में फंस जाती है तो उसको भी उसकी नानी याद आ जाती है, राइट। देखो मछली कैसे हमें दिखाई दे रही है और उसकी जाल में कैसे फंस गई है, तो कैसे डर गई, पहले कैसे अपनी मनमानी करती घूमती रहती थी, पर वो जब जाल में फंस गई तो उसको भी एकदम डर गई, राइट। उसको भी उसकी नानी याद आ गई। नानी यानी कि क्या पता है ना सभी को, नानी की तो किसे कहते हैं, नानी यस हमारी मम्मी की मम्मी, हमारी जो मम्मी होती है उसकी जो मदर होती है उसको नानी कहते हैं, राइट। और जो पापा की मम्मी होती है उसको क्या कहते हैं, दादी, राइट। हम लोग तो ज्यादातर क्या कहते हैं, बा कहते हैं, राइट। पापा की मम्मी को दादी, और हमारी मम्मी की जो मम्मी होती है उसको नानी, और मम्मी के जो पापा होते हैं उसको क्या कहते हैं, नाना, राइट। नाना नानी और दादा दादी, राइट। मछली तो है जल की रानी, करती रहती है मनमानी, मगर जाल में फंस जाने पर आती याद इसे भी नानी, राइट। वो जाल में जब फंस जाती है तो उसको भी इसकी नानी याद आ जाती है, राइट। दूसरा वाला हम काव्य देखते हैं, दूसरा पैरा। नल से हमको मिलता जल, नल से हमको मिलता जल, इसको खुला कभी मत छोड़ो, इसको खुला कभी मत छोड़ो, जल जीवन है इसे बचाओ, जल जीवन है इसे बचाओ, बूंद बूंद से सागर जोड़ो। देखो इसमें तो बहुत सारे शब्द हैं जो हमें समझने हैं, जो हमारी समझ से ऊपर है। सबसे पहले तो क्या कहा है, एक बार वापस रीड कर दे तो थोड़े थोड़े शब्द आपको समझ में आएंगे कि ये बातें ये शब्द मैंने सुने हैं। नल से हमको मिलता जल, इसको खुला कभी मत छोड़ो, जल जीवन है इसे बचाओ, बूंद बूंद से सागर जोड़ो। सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से वर्ड है उसका मीनिंग क्या है वो मैं समझाती हूँ। नल यानी कि हमारे घर में जो पानी का नल होता है जिसके अंदर से पानी आता है। नल से हमको मिलता जल, जल यानी कि पानी, जल यानी कि पानी। अभी हमने मछली जल की रानी उसमें भी देखा जल यानी कि पानी, तो पानी हमें कहाँ से आता है, नल से। इसको खुला कभी मत छोड़ो, देखो नल को कभी खुला छोड़ देना चाहिए नहीं, हमारे हमने हैंड वॉश कर लिए, हमने हमारा कुछ भी जो वर्क कर रहे हैं हम पानी का वो कंप्लीट कर लिया, तो फिर नल को हमें क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, राइट। नल में से जो पानी निकलता है उसको हमें वेस्ट होने देना चाहिए नहीं। हम लोग बार बार देखते हैं सभी जगह पर होता है पानी बचाओ पानी बचाओ, राइट। पानी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, राइट। उसकी हम उसको देखो हमारी धरती पर तो तीन और पानी है और एक ही भाग जमीन है, पर जो तीनों और पानी है वो खारा पानी है, सागर का समुद्र का, राइट। तो वो पानी है जो हम पीने के लिए यूज कर सकते नहीं है,
पर पीने का पानी बहुत कम मात्रा में है, पीने का पानी बहुत कम मात्रा में है। हम लोग देखते हैं कि कई वर्ष अच्छी बारिश नहीं होती तो फिर पानी में कटौती आ जाती है, राइट। तो पानी का हमें बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और पानी के लिए पानी को खूब सही तरीके से हमें बचाना चाहिए। अगर नल खुला है तो हमें उसके नल को खुला छोड़ना नहीं है। कई लोग तो क्या करते हैं पता है, आप करते हैं ऐसा कि ब्रश करते हैं ना, है तो जब तक ब्रश चालू है तब तक वो नल को खुला रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल करना चाहिए नहीं। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि बर्तन साफ करते हैं ना तो पूरे नल है ना वो पूरा फुल ऑफ चालू ही रखते हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता ना तब तक। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें उसको बचाना चाहिए। आप लोग सोचना कभी बार पानी नहीं है तो मम्मी भी डांटती रहती है कि चलो आज पानी की टंकी खाली है, पानी की टंकी खाली है, पानी को वेस्ट मत करो। अगर हमें पीने का पानी की बात करें, हम लोग दो ग्लास में से पानी लिया है तो हमें आधा ही पीना है, तो कई लोग क्या करते हैं पूरा पानी का ग्लास भर लेते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए नहीं, हमें जितना पानी पीना है उतना ही पानी लेना चाहिए। अच्छा ऐसा लगे कि हमें तो आधे से ज्यादा चाहिए तो पहला थोड़ा पी लो, फिर ऐसा लगे कि अभी मुझे प्यास लगी है तो वापस थोड़ा सा भर लो, पर पूरा पानी भरा आधा पिया और आधा फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल करना चाहिए नहीं, राइट। आप लोगों को पता है कि कई लोग तो क्या करते हैं कि इस तरीके से एक ऐसा उन लोगों ने सेटिंग किया होता है कि जो वेस्ट पानी होता है उसकी एक नली होती है जो अपने घर के बाग बगीचे में दी जाती है, राइट। कई लोग तो इस प्रकार के भी सेटिंग करते हैं घर में कि पानी की बचाव कैसे हो सके, राइट। नल से हमको मिलता जल इसको खुला कभी मत छोड़ो, उसको कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नल को कभी भी खुला छोड़ना नहीं चाहिए। जल जीवन है इसे बचाओ। देखो जीवन जीने के लिए जितनी सांस जरूरी है उतना पानी भी जरूरी है। अगर हमारे जीवन में पानी नहीं होगा तो एक बार सोच के देखो, पानी नहीं होता तो हम क्या करते हैं? पानी एक दिन से पानी के बिना रह सकते हैं? एक घंटे भी हम लोग पानी के बिना रह सकते नहीं है, राइट। पानी हमारा जीवन है, जल जीवन है इसे बचाओ, इसलिए हमें उसको खास बचाना चाहिए। मैंने आप लोगों को भी कहा कि पानी की अगर एक दिन दो पानी नहीं आता तो हमारे घर में भी सभी लोग डांटते रहते हैं कि चलो पानी बचाओ वेस्ट मत करो, राइट, बोलते हैं ना सभी को। तो पानी हमारा जीवन है, हमें उसको बचाना चाहिए, उसको वेस्ट करना नहीं चाहिए। बूंद बूंद से सागर जोड़ो, बूंद बूंद से। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा घर में कोई नल या कुछ खराब हो गया है तो उसमें से थोड़ा सा टिप 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 करके पानी गिर रहा होता है बूंद बूंद करके, राइट। तो अगर हम लोग वहां पर कुछ जगह पे कुछ रख देंगे, बाल्टी या तपेला या कुछ भी रख देंगे तो उसमें बूंद बूंद करके वो पूरा भर जाएगा, राइट। तो हम उसका भी यूज करते हैं, हम लोग हमारे घर पर फिल्टर यूज करते हैं। तो कई लोग मोस्ट ऑफ लोग ऐसा करते हैं कि फिल्टर में से जो वेस्ट पानी निकलता है उसको भी कहाँ कर रहे हैं, अपनी बाल्टी में भर लेते हैं, राइट। और फिर उसका भी यूज कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, सभी में कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी हमें पानी बचाना चाहिए। बूंद बूंद से सागर जोड़ो, सागर यानी कि समुद्र, राइट। दरिया सागर है, समुद्र है, वो तो बड़ा है ना, कितना बड़ा है। तो अगर हम चाहे तो बूंद बूंद बचा के भी हम हमारे जीवन को बचा सकते हैं। देखो आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि पानी जहां पर गिरता है तो उस पानी को भी हम बचा के उसका भी हम यूज कर सकते हैं, उसको भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, राइट। नल से हमको मिलता जल इसको खुला कभी मत छोड़, जल जीवन है इसे बचाओ, बूंद बूंद से सागर जोड़ो, राइट। हम पानी बचाएंगे तो पूरा सागर जोड़ सकेंगे। पानी पीने की कभी भी हमें पानी पीने के लिए जो पानी है उसकी कमी कभी हमें होगी नहीं, राइट। हमें उसकी हमेशा बचा के रखना चाहिए, राइट। तो आप सभी भी प्रॉमिस करो कि चलो आप लोग भी पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, जितना पानी पीना है उतना ही पियेंगे, राइट, और नल खुला नहीं छोड़ेंगे, राइट। चलो तो वापस एक बार ये दोनों रिवाइज कर लेते हैं। मछली तो है जल की रानी, करती रहती है मनमानी, मगर जाल में फंस जाने पर आती याद उसे भी नानी। नल से हमको मिलता जल इसको खुला कभी मत छोड़ो, जल जीवन है इसे बचाओ, बूंद बूंद से सागर
सागर जोड़ो, राइट। तो ये थे हमारे छोटे छोटे काव्य, राइट। आज हम लोग इसी काव्य के साथ कुछ और भी करेंगे। देखो आज हम यह स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हम लोग कुछ और करेंगे। हमने जो सीखा है ना, वो सबसे पहले तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काव्य है जो आप लोगों को खुद भी सीखने हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उसको ऐसे बहुत सारे काव्य आते हैं छोटे छोटे, एक बिलाड़ी झाड़ी ना उड़े ना, राइट। वैसे ही हिंदी में भी ऐसे छोटे छोटे काव्य होते हैं, तो वो हमें सीखने चाहिए, राइट। तो आज हमने ये दो काव्य सीखे हैं। अभी हम थोड़ा सा कुछ हमने जो आगे का हमारे स्वर और व्यंजन है उसका कुछ एक एक एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, राइट। तो चलो, मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि हमें क्रम में हमारे जो व्यंजन है वो हमें क्रम में आने चाहिए, कि क के बाद क्या आएगा, ख के बाद क्या आएगा, वो आना बहुत जरूरी है, राइट। क्रम में हमें हमारे व्यंजन और स्वर में क्रमबद्ध हमें याद होने चाहिए कि क ख ग घ। अगर आप लोग लाइव होते तो हम लोग बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहते, बोलते रहते हैं रोज, क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ड अण त थ द ध न प फ ब भ म, राइट। हमने म तक किया है अभी तक, राइट। तो वो हमें क्रम में याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ, राइट। तो क के बाद क्या आएगा, यस, क के बाद क्या आता है, ख। क्या आता है, ख। फिर ख के बाद क्या आएगा, देखो वो चीज हमें याद होनी चाहिए कि आगे कौन सा अक्षर है और पीछे कौन सा अक्षर है, वो दोनों हमें याद होना चाहिए। क ख ग, क ख ग। ग के बाद क्या आता है, घ। क्या आता है, घ। अगर हम ऐसा पूछे कि ग के आगे क्या आएगा तो ख, घ के आगे क्या आएगा तो ग, च के आगे क्या आएगा तो घ, ये भी हमें पता होना चाहिए। ग के बाद क्या आएगा तो घ, वो भी हमें पता होना चाहिए। हम उसको तुरंत बोल सके उतनी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए कि क ख ग घ च, तो च के आगे घ, घ के आगे ग। उल्टा सुल्टा कोई भी हम पूछे कि चलो ग के बाद कौन सा आएगा, घ के बाद कौन सा वर्ण आएगा, तो वो हमें तुरंत आना चाहिए, राइट। क ख ग घ च, राइट। रोज एक बार हमने जहां तक किया है उतना एक बार लिखने लिख के हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। क ख ग घ च। फिर उसके बाद क्या है, छ। छ के बाद क्या आता है, याद करो, नहीं याद है तो आगे से बोल के वापस ट्राई करो तो याद आ जाएगा। क ख ग घ च छ झ, राइट, झ। क ख ग घ च छ झ। फिर झ के बाद क्या आता है, नहीं याद तो आगे से चालू करो, घ च छ झ झ, राइट। अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते तो आगे से भी थोड़े से नजदीक से भी कर सकते हैं। छ ज ज ट, क्या आएगा, ट। ये भी हमें पता होना चाहिए कि ठ के आगे ट आता है, खासकर ट ठ ड और ड एक जैसे देखते हैं, तो उसमें हमें खास बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभी हम करेंगे, राइट। छ ज ज ट ठ, छ ज ज ट ठ, छ ज ज ट ठ ड, और उसके बाद आता है ड ड ड ड ड ण त थ ड ड ण त थ ड ड ण त थ द ध न प फ ब भ म। म हमने कल किया था ना, स्टैंडिंग लाइन राउंड स्लीपिंग और स्टैंडिंग, कल हमने म किया था, राइट। नेक्स्ट से लास्ट वाले से तक में हमने म किया था। क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, राइट। यहां तक हमने किया है, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम आगे क्या करेंगे,
अभी देखो मैंने आपको क्या बोला कि ट ठ ड ढ में हमें खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो एक जैसे देखते हैं। ट ठ ड और ढ, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, इसको एक साथ लिख लो और फिर उसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करो तो याद रह जाएगा कि ट कैसे करना है, ठ कैसे करना है, ड कैसे करना है। कई बार ऐसा करते हैं सभी लोग, ट के अंदर ड लिखता है और ड के अंदर ठ ट और ठ के अंदर ड और ट को ठ ड को ठ, राइट, उल्टा सुलटा हो जाता है। तो उसको साइड में एक बार लिख लो और फिर उसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करो देख के, ताकि हमें याद रहे कि भाई चलो ट ऐसे करना है, ठ ऐसे करना है, ड ऐसे करना है, ड ऐसे करना है, राइट, वो सब कुछ हमें याद रह जाएगा, राइट। तो मैंने ना आप लोगों को इस वर्कशीट में तो हमने आज काव्य ही किया है, राइट, हमारा गाओ गाओ वाला काव्य था वो हमने किया है। तो इस बार मैंने आप लोगों को क्या दिया है पता है आप लोगों को, कि ऐसे क प्लस ब, तो इन सबको हम साथ में करेंगे तो क्या बनेगा, क ब, क्या बनेगा, क ब। फिर अगर वैसा करूंगी न प्लस ग तो वो क्या बनेगा, नग, क्या बनेगा, नग। फिर ऐसा करूंगी मैं ग प्लस ज, यानी कि प्लस को निकाल देना और इन दोनों को साथ में, तो क्या बनेगा, ग ज। तो ऐसे जो शब्द है उसको हमें प्लस करके हमने ज्वाइन किया है और फिर हमें उसको रीड करने की कोशिश करनी है, राइट। हमने लास्ट सेशन में म किया था, म प्लस ग तो क्या बनेगा, मग, राइट। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को वर्कशीट में भी वर्क दिया है और आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे शब्द है उन शब्दों को क्या करना है, जोड़ना है, राइट, और जोड़ के उसी शब्द को हमें वापस रीड करना है। जैसे कि हम लोगों ने क ख ग मैंने आपको लाइन में सिखवाया, उसी तरह हमें हमारे स्वर है, उसी तरह हमारे स्वर है अ आ, राइट, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, रु, ए, ऐ, ओ और औ, राइट। ये भी हमें लाइन में याद होने चाहिए। आप लोगों को स्वर और व्यंजन बार बार आप लोगों को रीड करने हैं और लाइन में, खासकर लाइन में याद रखने की, अ के बाद आ के बाद ई, ई के बाद बड़ी ई, वो खास याद रखने हैं, राइट। और कौन से शब्द है वो कहाँ से शुरू होते हैं वो भी हमें याद करना है। तो आज हमने हमारा ये जो काव्य था गाओ गाओ वो हमने किया, राइट। एक बार वापस रीड करते हैं कि हमारा काव्य क्या था, गाओ गाओ मछली तो है जल की रानी, करती रहती है मनमानी, मगर जाल में फंस जाने पर आती याद उसे भी नानी, नल से हमको मिलता जल, इसको खुला कभी मत छोड़ो, जल जीवन है इसे बचाओ, बूंद बूंद से सागर जोड़ो, राइट। तो ये था हमारा काव्य और वर्कशीट में मैंने आप लोगों को भी प्लस कर वाला जो समझाया वो मैंने आपको दिया है, जो आप लोगों को वो ही लिखना है, राइट। नाउ हम नेक्स्ट सेशन से हमारा आगे का व्यंजन य है वो स्टार्ट करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए बाय।